जी हम जा रहे हैं। बेटा शादी में जा रही हो, थोड़ा चमक धमक पहनो, क्या सिंपल दिख रही हो एकदम। मम्मी जी हमारा मतलब पहला ही ठीक था, जैसा आप बोले मम्मी जी। ये कैसी रोटी बनाई बेटा, यहाँ से मोटी, यहाँ से पतली, इधर से फिर मोटी, इधर से पतली, ऐसी रोटी थोड़ी ना खाई जाती, एक जैसी बनानी चाहिए ना जी। यहाँ इधर से 2 सेंटीमीटर रख दो, यहाँ से भी 2 कि 2.5 नहीं 2। अरे पेंसिल घुस जा। विड्थ कितनी रखूं? विड्थ बहुत बढ़िया। बुआ फूफा जी बाहर आए हैं, पैर वैर छूना दोनों के आते, और ढक लो बढ़िया, है ना, खुद को ढक लो, चलो आओ। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ बेटा, ढक कर आओ। बढ़िया बढ़िया। मामी जी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, प्लीज मुझे सुरक्षित फूफा जी और बुआ जी तक पहुंचा दीजिए। जिंदगी बर्बाद हो गया। 7 बज गई है बेटा, थोड़ा जल्दी उठा करो। मामी जी, मामी जी क्या हुआ? आपने बोला था ना जल्दी उठना, तो आप क्या करना है? बेटा तुम अपने टाइम पे उठो, कोई बात नहीं। झुमकी कब ले ली? ये तो पुराना ही है, कुछ खरीदते तो बताती ही नहीं हूँ आजकल। ये पेन कब खरीद लिया आपने, पागल हो गई क्या? मुझे तो बताया नहीं। मम्मी जी न्यू पेन, इस घर में कुछ आया मुझे और मम्मी जी को पता ही नहीं। मम्मी जी हमने वो मॉल की तरह वो सेंसर लगा दिया, पी करेगा कोई नया सामान आएगा तो पता तो पड़े इस घर में आप क्या कह रहा है। अगली बार से ना हम दोनों को सब पता होने चाहिए। बेवकूफ है ना। हेलो भाई लेट हो रहा है, बिंदी कहाँ है तुम्हारा? लगाए है इतना छोटा बिंदी, हमको चश्मा लगा के देखना पड़ेगा तुम्हारा बिंदी लगाया कि नहीं लगाया। मम्मी जी जी मैं मम्मी के रहने चली जाऊं कुछ दिन। बेटा आप भी तो गई थी तुम मम्मी जी के यहाँ। आरती का फोन है, लाउड स्पीकर पे रखे ना मम्मी जी। ओ हाँ दीदी। भाभी आप घर पे हो ना, आज मैं आ रही हूँ। क्यों दीदी, अभी तो आई थी आप। उनकी मम्मी जी उनको ऐसे बोलती जब वो पूछती आने के लिए तो फिर उनको बुरा लगता ना, इसलिए मैंने ही बोल दिया। बुआ के दामाद जी का एनिवर्सरी है, विश कर देना। हाँ इतने दूर के रिश्तेदार, उसने तो करना छोड़ दिया है, अब तुमसे उम्मीद है, तुम नहीं लगाना है तो मत लगा। आपकी ननंद की जो बेटी की ननंद है ना, उसकी 28 जुलाई हो जाएगा विश। चाचा जी आपके पड़ोस में वो जो पिंकी आंटी रहती है ना, उनका डेट लिखा दीजिए मुझे। सरिता मुझे आपकी किटी की सारी लेडीज की मैरिज एनिवर्सरी डेट बताइए। 8 अक्टूबर 1 जनवरी है, शादी नहीं बर्थडे कब आता है? भाभी आपकी वो पिंक बनारस वाली साड़ी है ना, और जो उसके साथ है वो सेट पहनते, प्लीज भिजवा दो। दीदी मैंने वो साड़ी अभी तक पहनी नहीं। भाभी मैं कहीं फोटो नहीं डालूंगी, ये आ रहे प्लीज भिजवा दो ना। ठीक है मैं भिजवा देती हूं। अरे भैया ध्यान से, ये कहां जा रही है अलमारी? मम्मी जी मेरी अलमारी है, तिलक नगर भिजवा रही दीदी के यहाँ, मुझसे ज्यादा मेरे कपड़े उनको लगते ना इसलिए। सामान ड्रॉप करके अलमारी तो ले आना कम से कम। नहीं रहने दो, मैं बच्चा कुच्चा थैली में रख लूंगी अपना सामान। मम्मी जी ये वाली साड़ी पहन लू मैं? ये तुम्हारे यहाँ से आई है ना, बड़ी हल्की है बेटा, तुम हमारी वाली पहनो ना पिंक कलर की, थोड़ी हैवी। जी मम्मी जी, अरे मम्मी जी दिस साड़ी इज रियली हैवी, खड़े होने की कोशिश करती हूँ। नो मम्मी जी इट्स वेरी हैवी, साड़ी में स्टोन्स डिजाइन के लिए लगते, आपने सही में पत्थर डलवा लिए क्या? बनियान बदलिए, कपड़े पहनिए, मेहमान आ रहे हैं।
कचरा उठा, गंद वाला बेडशीट बदलू कि नहीं बदलू? आज 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 कितने कमजोर हो गए। स्टील में कौन ले जाता है मेहमानों को पानी, कांच का ग्लास लो। ऐसे बातों बातों में पूछ लो ना, खाना खा के आए क्या? नहीं खा के आए तो फिर मेरे को आधा किलो पनीर ला दो प्लीज। जूस भी खत्म कर दिया तुम भाई बहन के, ना पेट नहीं फटता क्या? सारा मेहमान तेरे को छोड़ना नहीं है मम्मी। जीजाजी आपको मेरी कसम अगर एक रुपया भी दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं आप जो भागे हैं फिर हम। मैं भी आ रहा हूं। ऐसे करके नहीं हंसते दूसरों के सामने। मम्मी जी मामा जी ये बात मुझे बहुत मजाकिया लगी, मैं इस पे हंसना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपने रूम में जाऊँ हंसने के लिए? यह एक और आइडिया है। मामा जी आप अपनी आंखें और कान बंद करेंगे बस दो मिनट के लिए, प्लीज आई इंसिस्ट। मामा जी आप उधर देखिए, मुड़ जाइए भैया, ब्लैक टिक टैक पिंस दिखाना। ये लो आई एक और, इसके घर से तो मैंने कल ही भाग जाना। एक देना, एक खरीद रही है। कुछ लोग होते हैं जो हमें प्यार से रखते हैं संभाल के, ये उनमें से तो लग नहीं रही है, इर्रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। दीदी मैं भी इनके घर थोड़ी ना टिकती हूँ ज्यादा, पटक देती हूँ कहीं पे भी, इज्जती नहीं है कोई, फिर बोलती कहाँ रखा था कहाँ रखा था कहाँ गायब हो गया। भैया पूरा पैक, बहन तुमसे ना हो पाएगा। भैया रहने दीजिए, गम है बाल चिपकाने के लिए है। छोले भटूरे खाइए। I'm full. Come on, you guys. जिससे तू इम्प्रेस कर रही है ना, शादीशुदा। पहले नहीं बता सकती थी, साला सारे एक्सप्रेशन बेस्ड कर दिए। और छोटू आलू टिक्के ले क्या? कब से खोज छोटू वो पिंक वाला दुपट्टा दे, एक नंबर। मतलब चार कस्टमर मेरे से ये ले गए रेगुलर। दूसरा देखिए आप, मतलब कमी नहीं, आप बस बोलिए क्या चाहिए आपको। ये देखिए ये आप जब लगाएंगी ना दीदी, मतलब चार औरतों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना तो नाम बदल दे। ये वाली नहीं, चलो छोटू बताओ दूसरी दो। दीदी चॉइस देखिए आप, दीदी बोला ना मैं आपको ज्यादा बोलूंगा क्या? छोटू कॉफी कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगी आप बताओ? बोर नहीं कर रहा हूँ आपसे, छेद नहीं है ये डिजाइन है दीदी इसकी, नहीं जमा तो वापस लेके आना। लास्ट पीस है लास्ट। दीदी आप फ्री में ले जाओ पर इतना मार्जिन नहीं हुआ। बरसती है निगाहें मेरी चकती। हेलो क्या, कौन से ग्रुप पे? ओ शिट मैंने ग्रुप पे भेज दिया। ओ गॉड, हेलो थैंक गॉड यार तूने बता दिया, चेक कर अभी भी दिख रहा है। इशिता मैंने डिलीट फॉर मी कर दिया क्या? टाटा गुड बाय गया, प्लीज मुझे शहर ला दे आप। He is damn cute man, actually मैं क्यूट दिख रहा है नहीं? Smiling, my god. करूँगा? I think I should. Okay. ओ भाई तेरे फोन का कैमरा ऑन है, कैमरा कैमरा कैमरा। नो no! हाँ जी बताइए क्या क्या लाना है? एक दाल लिख दीजिए, मूंग दाल पेस्ट, चाय का पत्ती, अपना सेविंग किट। सेविंग किट तो रखा है हमारे पास। अरे आपके लेना ही, आपसे ज्यादा आ गई हैं। आप कहते थे ना एक बेटी चाहिए एक बेटा चाहिए, दोनों खाए से पूरे कर दे भगवान ने। बट दाढ़ी भी आई क्या?